गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, हेलो, कैसे हैं? आज अपन लेकर आए हैं वर्दी संधि। अपने दिन संधि पढ़ ली थी, गुण संधि पढ़ ली थी, अब है तीसरी नंबर पे वर्दी संधि। इसका सूत्र है बड़ा ए बड़ा। अब अपन इसको पहले लेते हैं, ए के ये सूत्र है और औ के सूत्र है, बस वही है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। अब अपन इसका संधि विच्छेद करते हैं एक एक का, तो क्या होगा? ए प्लस ए, इसकी दमी आ रही है इसके अंदर, अ प्लस ए बराबर बन गया बड़ा ए। अब ले रहे मत एक किया, मत प्लस एक किया, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण सा में दमी आ रही है अ, ये जैसे जैसे लिखना है ए बराबर बन गया ए। तो तेव का करते हैं तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। अब था में किसी कमी आई, आ प्लस ए बराबर ए, तो ये अपना सूत्र नंबर है जो तीसरा। मैसर्य महा प्लस ऐश्वर्य, प्रथम शब्द अंतिम वर्ण में जो आ रहा है आ की कमी है, ये ए है, जैसे जैसे लिख रहा है मिलके बन जाता है बड़ा है। तो ये एक सूत्र के बड़े आराम से हमने कर लिए। अब लेते हैं अपन ये औ का शब्द है दंतोष, तो दंत प्लस ओष, तो हमें आ रही अ प्लस ओ बराबर बन गया ओ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, तो अपना अ प्लस ओ, अ प्लस ओ बराबर ओ। इसी प्रकार महोज, महा प्लस ओज, तो ध्वनि क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में आ प्लस ओ मिलके बन जाता है ओ। इसी प्रकार परमहंस, तो परम प्लस औसत, में ध्वनि आ गया अ प्लस आओ बराबर बन गया आओ। इसी प्रकार महोस्त, महा प्लस औसत, मा में आ में आ की ध्वनि प्लस आओ बराबर बन गया आओ। इस प्रकार ये वर्ण संधि के पूरे सूत्र होते हैं और इनको आप करते करिए और समझिए, इस प्रकार आप संधि आसान तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।